हेलो साथियों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम डेस्क में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 की। तो दोस्तों, आपका आई होप बहुत से कैंडिडेट का एग्जाम हो चुका है और बहुत से कैंडिडेटों का एग्जाम जो अभी सिक्स फेज में होने वाला है। तो आज की डेट से अगर बात करें तो जो भी जिसका भी सिक्स फेज में एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिसका एग्जाम हो चुका है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ पे लेकर। ठीक है, बहुत से लोगों ने कट ऑफ अपना जारी किया है, मतलब कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत से यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि भाई इतना जाएगा इतना जाएगा। तो देखिए, कट ऑफ जो है कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता। ठीक है, दो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कट ऑफ, तो उन फैक्टर्स को अपन जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करें कट ऑफ के लिए, तो दोस्तों आपका अगर सिक्स चरण में एग्जाम है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि इतने क्वेश्चन आपको मिनिमम अटेम्प्ट करना ही करना है। इसके ऊपर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कम से कम आपको क्या है निगेटिव अटेम्प्ट करना है, मतलब कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुक्का मारने का प्रयास न करें, क्योंकि ऐसे में दोस्तों आपको क्या हो सकता है, आप तुक्का मारते हैं अगर अगर वो गलत हो जाता है तो आपके जो है क्वेश्चन सही वाले भी जो है गलत हो सकते हैं। तो जो आपको 100% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन हमारा सही हो सकता है, तो उसी क्वेश्चन को आप क्या काम करें, क्लिक करें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। तो दोस्तों, कट ऑफ जो है 2021 में कितनी जाने वाली है एनटीपीसी की, इसको अपन बात करेंगे। इसके पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि अभी तक दोस्तों टोटल कुल फॉर्म कितने आए थे आरआरबी एनटीपीसी की मैं बात करूं तो टोटल जो फॉर्म आए थे 1.26 लाख, मतलब कि 1,26,00,000 फॉर्म जो है आरआरबी एनटीपीसी में डाले गए थे, भरे गए थे। इसके बाद अलग अलग चरणों में एग्जाम हो रहा है, तो आपका जो है सिक्स चरण अभी तक हो चुके हैं, और इसके बाद भी दोस्तों और एक चरण हो सकता है, क्योंकि अभी भी 4 से 5 लाख कैंडिडेट बचे हुए हैं, उनका भी एग्जाम अभी हो सकता है। इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो CBT 2 का एग्जाम है कब तक स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को। और अभी कौन सा चरण चल रहा है, सिक्स फेज का एग्जाम डेट आ चुका है। ठीक है, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करें वैकेंसी की, तो आप सभी को पता है जो वैकेंसी आई है वो 35,208, ठीक है, इतनी वैकेंसी है इस बार। ठीक है, और कितने लोगों का सिलेक्शन होने वाला है CBT 2 के लिए, तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है। तो CBT 2 के लिए जो सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों, इस वैकेंसी का 20 टाइम्स, इस वैकेंसी का 20 गुना, मतलब कि अगर बात करें तो 7 लाख कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन 7 लाख कैंडिडेटों को चयन करेंगे आरआरबी CBT 2 के लिए। इतनी बात आपको समझ में आई क्या नहीं आई, आप मुझे बताइए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाई ये आंकड़ा, ये जो आंकड़ा दिख रहा है 1.26 लाख का, ये काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन इतने कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट जो है दोस्तों इस बार जो एग्जाम है स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अटेंडेंस की बात की जाए तो इस बार की जो अटेंडेंस है, ये डेटा भी मतलब कि अनुमानित डेटा है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो अटेंडेंस इस बार माना जा रहा है कि 60% अटेंडेंस हो रहा है। तो रेलवे के किसी भी एग्जाम में बात करूं तो फॉर्म भरने वाले की तादाद बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन दोस्तों उनके बाद में जो है एग्जाम देने वाले की संख्या उतनी ही कम हो जाती है। हमेशा देखा गया है रेलवे के पेपर में कि जो एग्जाम का जो अटेंडेंस है वो 60 से 70% ही रहती है, लेकिन एनटीपीसी का फैक्टर्स कुछ अलग है, क्योंकि इस बार कोविड भी था, कोविड के कारण कई लोगों को एग्जाम देने का मौका नहीं मिल पाया है। और उसके साथ ही साथ जो है, और एक बात करूं मैं तो, इस बार दोस्तों बहुत से लोगों का जो है बहुत ज्यादा दूरी पर दे चुका है, तो उनको पहुंचने में दिक्कत हो गई थी कई लोगों को, कई लोगों का एग्जाम ऐसे ही छूट गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजों के कारण जो आपकी अटेंडेंस है वो कितनी गई है, 60% गई है। अब बात करें दोस्तों 60% की, तो कितने कैंडिडेट लोगों ने एग्जाम दिया है, तो यहां से आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 लाख लोगों ने जो है एग्जाम दिया है। ठीक है, क्योंकि 1.1 करोड़ 26 लाख का अगर आप 60% निकालते हैं तो 72 अप्रोक्सीमेटली इतना ही आता है 70% 70 लाख कैंडिडेट। ठीक है, तो अटेंडेंस की बात करूं मैं, अटेंडेंस मतलब कि ये भी आंकड़ा मैंने ओवर लिया है। ठीक है, ये आंकड़ा मैंने ओवर लिया है, इससे कम भी अटेंडेंस हो सकती है, इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होगी, 60% से ज्यादा अटेंडेंस बिल्कुल भी नहीं होती एनटीपीसी एग्जाम में।
तो हम लेके चलते हैं 70 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और आपका जो है चयन होने वाला है 7 लाख कैंडिडेट का। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो एक सीट के ऊपर जो संख्या है वो कितने से आप फाइट करेंगे, 10 कैंडिडेट से, ठीक है। और ये 10 कैंडिडेट में से मैं दावे के साथ कह सकता हूं सिर्फ और सिर्फ 5 कैंडिडेट ही पढ़ने वाले रहेंगे, बाकी 5 कैंडिडेट ऐसे ही रहेंगे, बस जाएंगे और एग्जाम देके चुपचाप आ जाएंगे। तो आपका कंपटीशन जो है इन 5 के साथ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। पिछले बार के भी कुछ आंकड़े की बात कर ली जाए तो पिछले बार की जो वैकेंसी आई थी, पिछले बार शायद 14 या 15 हजार वैकेंसी थी और जो फॉर्म डाले गए थे 90 लाख के करीब डाले गए थे, ठीक है। इसके आधार पर जो है इस बार काफी कम है, पिछले बार के मुकाबले भी इस बार कंपटीशन तो है लेकिन वैकेंसी भी आपकी ज्यादा है। इसलिए अगर हम फाइनली कट ऑफ की बात करें तो इस बार दोस्तों जो आपका कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, तो सारे कैटेगरी की बात करूंगा मैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की, है ना। तो ये कट ऑफ, और एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, ये ओवरऑल जोन की मैं बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 2 या 3 या 5 नंबर ज्यादा भी हो सकता है या कम भी रह सकता है, क्योंकि जोन वाइज कट ऑफ भी बहुत ज्यादा वेरी करता है। पिछले बार की बात करूं तो कोलकाता का जो कट ऑफ पिछले बार 77 चले गया था, ठीक है, कितना हाई गया था, और मिनिमम कट ऑफ की पिछले बार की बात करूं तो 58 नंबर पर भी सिलेक्शन हो गया था। तो जोन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइए अपन एक अंदाजा लगाते हैं कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं या आपको लगता है कि इतने नंबर आपके आ सकते हैं तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ओबीसी जनरल की सबसे पहले बात करूं मैं, जनरल की ये जो है कट ऑफ, ये नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी जुड़ता है इसमें, जो ज्यादा निगेटिव करता है तो उसके ऑब्वियसली कम हो जाते हैं, तो एक्यूरेसी भी जो है आपको मेंटेन करके चलनी है। जिसका अगर 6th फेज में एग्जाम है तो वो ध्यान रखेंगे कि आपको जो एक्यूरेसी है वो 90 से 95% रख के चलनी है, ये आपका नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो जनरल की बात करूं मैं तो जनरल में दोस्तों आपका जो अगर आ रहे हैं कि 65 से लेकर 70 के बीच में आपको चांसेस है कि इतने नंबर आ सकते हैं, तो आप जो है सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ज्यादा भी कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और एक चीज मैं बात करूं, जिसकी भी अच्छी तैयारी है वो तो एग्जाम देने गया ही है, ठीक है, तो कट ऑफ जो है उतनी भी कम नहीं जाएंगी जितनी आप सोच रहे होगे, ठीक है। तो कट ऑफ आपकी 65 से 70 जाएंगी, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क है, फिर से बता रहा हूं। मान के चलो कि अगर आपके 60 भी लॉ मार्क होते हैं और आपके बढ़ जाते हैं 10 नंबर तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो रॉ मार्क की भी बात करूं तो रॉ मार्क में दोस्तों अगर आपके जनरल कैटेगरी वालों को लग रहा है कि आपके 60 से 65 के बीच में आ सकते हैं तो आप जो है सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। इसके बाद ओबीसी की बात करता हूं मैं, तो ओबीसी में दोस्तों आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है 62 से 68 के बीच में, ज्यादा अंतर नहीं रहता जनरल और ओबीसी में, सिर्फ 2 या 3 नंबर का अंतर रह गया है आजकल, कई कई एग्जामों में तो देखा गया ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा चले जाती है, ठीक है। और रॉ मार्क की बात करूं, अगर आप ओबीसी में हैं और आपको लग रहा है कि आपके जो है 60 से 62 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वहीं एसटी की बात करूं, एससी की बात की जाए तो एससी की दोस्तों अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो यहां पर आपकी जा सकती है 56 से लेकर 62 के बीच में। और रॉ मार्क की बात करूं, अगर आपके 55 से लेकर 58 या 60 के तक आ रहे हैं, 55 से अगर एबो आ रहे हैं तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एसटी की अगर बात करें तो एसटी की कट ऑफ बहुत कम जाती है, ठीक है। तो एसटी में क्या क्या हो सकता है, आपकी कट ऑफ जो है सीबीटी 1 की जो जाने की संभावना है ये 50 से लेकर 52 के बीच में, ठीक है। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको जो है दोस्तों सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा नॉर्मलाइज्ड मार्क है। इसके बाद जो आपके रॉ मार्क के भी मैंने बता दिया, इतने अगर आपके आ रहे हैं तो इतने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, 60 से अगर आपके 60 आ रहे हैं तो 5 नंबर आसानी से आपके नॉर्मलाइज होके बढ़ सकते हैं या नहीं भी बढ़ सकते हैं, अपन कंफर्म नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये आप नंबर देख लीजिए, इतने अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो सीबीटी 2 की आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो है सीबीटी 2 का एग्जाम कब से स्टार्ट हो सकता है। तो अभी देखो कोरोना फिर से बैक मार गया है, फिर से वापस आ गया है, तो हो सकता है इसको टाइम लग सके, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इसका जो समय है दोस्तों, अभी अगर बात की जाए तो अभी अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा और 8 अप्रैल तक आपका 6th फेज का एग्जाम भी हो जाएगा और उसके बाद जो है 7th फेज की एग्जाम डेट आ जाएंगी।
तो मिड अप्रैल तक आपका जो है एनटीपीसी का सीबीटी वन खत्म हो जाएगा। कब तक? मिड अप्रैल तक आपका जो है एनटीपीसी का जो एग्जाम समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आप सभी को पता है ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और ये होगा मई में। ग्रुप डी का एग्जाम मई से पहले नहीं होगा, होगा तो होगा मई के बाद ही होगा, ये कंफर्म लिख के ले लीजिए आप, क्योंकि मई के पहले होने की संभावना बहुत कम दिख रही है। ठीक है, जैसा कि आप देख ही सक रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे। तो एनटीपीसी के सीबीटी टू की बात करूं मैं, तो ग्रुप डी का भी एग्जाम 3 महीने चलेगा। जैसे एनटीपीसी का एग्जाम चला था दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने तो हो गए। दिसंबर एंड से स्टार्ट हुआ था तो 3 महीने हो गए मार्च तक, और अप्रैल भी पूरा का पूरा खींच सकता है। तो 3 से 4 महीना जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम चला था, तो उसके बाद अगर बात करें ग्रुप डी के एग्जाम की, तो दोस्तों यहां पर भी फॉर्म इतने ही डाले गए हैं, लेकिन यहां पे फॉर्म की संख्या कम है। ग्रुप डी के फॉर्म की बात की जाए तो यहां पर है दोस्तों 1.15 लाख, मतलब कि 1,15,00,000 जो फॉर्म डाले हैं ग्रुप डी के, थोड़े ही कम है। इसको भी आपका जो है 3 से 4 मंथ लग जाएगा, मतलब कि अगर आपकी मई में स्टार्ट होती है, मई, जून, जुलाई, जुलाई अगस्त तक आपका जो है एग्जाम ग्रुप डी का चलने वाला है, मई से लेकर अगस्त तक। ठीक है, तो इसके बाद ही जो है आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो आप लेके चलिए कि अगस्त के पहले तो आपका जो है सीबीटी नहीं होने वाला, सीबीटी टू अगस्त जुलाई के बाद ही आपका जो है सीबीटी टू एग्जाम होगा एनटीपीसी का। तो काफी ज्यादा समय मिल गया है आपको दोस्तों, और आपका अनुमान आधार पर इतने इतने नंबर आ रहे हैं, तो आपको ऑफकोर्स सीबीटी टू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस भी ज्यादा अंतर नहीं, सिलेबस की बात करूं तो सीबीटी वन और सीबीटी टू का सिलेबस सेम टू सेम है, और आपने अभी अच्छे से तैयारी की है तो आपको बेनिफिट जरूर मिलने वाला है सीबीटी टू में। थोड़े मार्क बढ़ जाएंगे, वहीं आपके 120 नंबर हो जाएंगे। ये सिर्फ 20 नंबर किसके एक्स्ट्रा है, तो ये जनरल अवेयरनेस के है। ठीक है, बाकी मैथ्स और रीजनिंग उतने की ही आने वाली है। ठीक है, ग्रुप डी की बात करूं तो दोस्तों ग्रुप डी के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि ग्रुप डी में भी आपके पास अभी कितने मंथ बाकी है, 1 मंथ बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ अप्रैल का। ठीक है, अप्रैल माह में ही आपको अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर लेनी है, तो 1 मंथ आपका बचा हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो डेटा था आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, कि अगर आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा कट ऑफ जा सकती है तो आप बिल्कुल कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं, और इससे कम भी जा सकती तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप यू आर वेरी वेल, आपकी तैयारी अच्छे से चले। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।